नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 मैथ ट्रिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। नाउ वी आर डूइंग एसएससी सीजीएल मैथ ट्रिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो एसएससी का मैथ होता है, मैथ तो मैथ होता है, जैसे वो बैंक पीओ, कैट, एमबीए, एमबीए कैट मैट बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, एमबीए वाइड है, रेलवे, यूपीएससी जिसमें सी सेट की बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत सारे क्लैरिकल लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वो सोचते हैं कि सबका मैथ एक जैसा होता है। और इसी वजह से क्या है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आमतौर पे हर जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट पैटर्न होता है उस एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, और मैथमेटिक्स की जो अप्रोच होगी वो भी डिफरेंट होती है। हो सकता है कुछ एसएससी में मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हों, हो सकता है कुछ कैट में ज़्यादा मुश्किल हो रहे हों, हो सकता है कुछ बैंकिंग में ज़्यादा मुश्किल हो। हर एग्ज़ाम का अपना अपना पैटर्न है। और जब तक कि आप ये खिचड़ी बना कर रखोगे, ये मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप बहुत दूर हो एसएससी सीजीएल के सिलेक्शन से, जरूर दूर हो। आप सिर्फ मैथ सीखते रहोगे और आखिर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने वो खिचड़ी बना रखी है जिसमें कि आप 70-80% चीज़ कवर कर रहे हैं, नंबर वन। और दूसरी बात, आप बाकी जो चीज़ें कवर कर रहे हैं 30-40% और भी चीज़ें कवर कर रहे हैं जिसकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो नंबर वन, एक आप अपनी जो एनर्जी है वो ऐसी चीज़ों में लगा रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है इस मैथ के साथ या इस एग्ज़ाम के साथ में। दूसरा कि कुछ पोर्शन ऐसा है जो इसमें आप लगा नहीं रहे और जो उसकी रिक्वायरमेंट है। हर एक वैरायटी अलग होती है, अप्रोच अलग होती है हर एग्ज़ाम की, एक माइंडसेट होता है। जब आप प्रॉपर माइंडसेट के साथ नहीं उस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, फोकस अप्रोच के साथ में, तो ये एग्ज़ाम दूर होता जाएगा। और इसके पीछे भी सिर्फ स्टूडेंट ही जिम्मेदार नहीं, कोचिंग सेंटर भी काफ़ी ज़िम्मेदार होते हैं। वो क्या करते हैं, हर तरह की कोचिंग, बैंक वाले भी इसमें बैठ जाओ, पीओ भी इसमें बैठ जाओ, एसएससी सीजीएल वाले भी, रेलवे वाले भी बैठ जाओ, केट वाले भी बैठ जाओ, जिसको मैथ प्लस टू वन टू वाले भी बैठ जाओ, जिसको मैथ सीखना वो भी बैठ जाओ। आमतौर पर जब ये मैथ सीखने वाली जो अप्रोच रहते हैं, और सोशल मीडिया भी इसके लिए काफ़ी ज़िम्मेदार, आज के टाइम में हर बंदा ही खड़ा होकर वो यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग जाता है और उसमें सब कुछ पूरा मिक्स वेज सब कुछ आइटम है वो लगा देता है। लेकिन इससे, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें शामिल भी हो जाते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, लेकिन अल्टीमेटली वो स्टूडेंट है वो उस सिलेक्शन से काफ़ी दूर होंगे। वो मैथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मैथ सीख नहीं पाएंगे या उस चीज़ को नहीं पकड़ पाएंगे जिसमें कि उस एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूरी है। और वो खुश होते रहेंगे क्योंकि वो पीओ का भी सीख रहे हैं, क्लैरिकल का भी सीख रहे हैं, एसबीआई भी कर रहे हैं, और यूपीएससी भी हो रही है, और कई टाइप के और भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, और अल्टीमेटली उनका कुछ नहीं हो रहा। तो ये मेरा एक क्लियर मैसेज है कि अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा और उस पर 100% फोकस कीजिए। जब आप 100% फोकस करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन की क्लैरिटी होगी, और कौन से क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन आता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितना लेना ज़रूरी है, वो क्वेश्चन को कैसे आप, हर क्वेश्चन की अप्रोच कैसे हो, वो बहुत डिटेल में आपको रिसर्च के साथ में तैयार करनी पड़ेगी। ये खिचड़ी बनाने की प्रक्रिया है, और जो इसमें दौड़ बाहर चल रही है, रेस चल रही है, उससे आपको थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। और बहुत सारे, मैं हैरान हूँ कि बहुत सारे लोग पीओ बने हुए हैं और वो क्लैरिकल, बैक क्लैरिकल के क्वेश्चन करने की सोच रहे हैं वो इस खिचड़ी में शामिल होकर। तो पहले आप ऑलरेडी एक बड़ी जॉब पे हो, और आईएएस के बाद ये दूसरी बड़ी जॉब है। तो जब आप पीओ बनकर इस एग्ज़ाम को नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम से पहले ही दूर हो। आपको इसकी एक फोकस अप्रोच डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे आपकी एनर्जी भी राइट दिशा में चैनलाइज होगी। ये सिर्फ मैथ के लिए एप्लीकेबल है, रीजनिंग के लिए एप्लीकेबल है, बैंक पीओ की रीजनिंग है या बाकी जो दूसरे एग्जाम की रीजनिंग है उसकी तुलना में सीएसएससी की रीजनिंग है वो डिफरेंट है। इसलिए
रीजनिंग डिफरेंट है तो वहां पे परसेंटेज 50 में से हो सकते हैं यहां पे आपको 45 लेना पड़े, तो वो जो एक अप्रोच चाहिए आपको इसके लिए रीजनिंग के लिए, वो आपको बैंक पीओ में हो सकता है मुश्किल रीजनिंग हो, उसके अप्रोच डिफरेंट हो, उसमें वहां पे सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना हो, वहां पे 5 ऑप्शन हो, ये इस तरह की जो चीजें हैं वो इसमें और इसमें जहां जहां पे एक एक नंबर का कट ऑफ का जो क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा डिफरेंस डालेगी। जैसे कुश्ती लड़ी जाती है, इंडियन पहलवान है वो घास पे लड़ते हैं या फिर मिट्टी में लड़ते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं वहां पे गद्दे होते हैं, वहां पे उनको उस तरह से लड़ना नहीं आता जितना जिस तरह से उस इंटरनेशनल मैच में सीखना पड़ता है। तो आप वैसे ही अप्रोच है कि आप उसको सीखिए जिसकी की रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप रीजनिंग है तो मैथ भी ऐसे ही है, इंग्लिश की अप्रोच भी ऐसी है, हो सकता है यहाँ वोकैब को रोल ज्यादा हो, यहाँ पे हो सकता है आपको 50 में से 40 स्कोर ही करना हो, हो सकता है पीओ या बाकी एग्जाम आपको 15 नंबर है वो काफी हो सकते हैं 15 मार्क्स। जीके की अप्रोच तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ पे साइंस का पोर्शन ज्यादा आता है और साइंस का पोर्शन आप दूसरी चीजों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। साइंस का यहाँ पे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई भी हो सकता है कई केसेस में। हम देखते हैं बायोलॉजी में प्लस वन टू बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स का लेवल भी हाई होता है, हमने कई वीडियो भी बनाए हैं वो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट टाइप के वीडियो हैं। आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के, मैं हैरान हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और वो इकोनॉमिक्स में क्या सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स, और किस बात की ट्रिक्स कि करेंसी के नाम याद करने हैं, देश की कैपिटल याद करनी है, फाइनेंशियल कैपिटल वो देखनी है। तो इस तरह की अगर आप एग्जाम की तैयारी करेंगे ऐसे और सिर्फ इस वजह से कि सोशल मीडिया से या आप कोचिंग सेंटरों की जो खिचड़ी है उसके अनुरूप चलना स्टार्ट कर देंगे तो अल्टीमेटली रिजल्ट है वो उस एक्सपेक्टेशन से नहीं आएगा जिस एक्सपेक्टेशन का आज के टाइम में कॉम्पिटिशन है, जहां पर लाखों लोग तैयारी करते हैं और सिर्फ कुछ 1000 या कुछ बहुत कम बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो उसमें आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी क्वालिटी अप्रोच चाहिए और सिर्फ ये करेंसी के नाम के जो पहले एक्रोनिम्स पहले पहले नाम लिखकर उसको ट्रिक सोच लेना, ये इतना लेवल नहीं है एसएससी सीजीएल का, उससे कहीं ज्यादा लेवल है। तो ये जो ट्रिक का चक्कर और शॉर्टकट मारने का तरीका है वो आप छोड़ दीजिए या फिर कम से कम रेलिवेंट रखिए। तो इसी अप्रोच के साथ में कि हम आप लोग हैं, अगर ये चैनल आप देखना चाहते हैं तो कृपया करके अपने माइंड को इस ढंग से रखिए कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। और जब कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आप जो बैंकिंग का बता दो, आप क्लरिकल का उसका अपडेट कर दो, कृपया करके इस चैनल पे इस तरह के कमेंट आप मत रखें, क्योंकि ये सिर्फ एसएससी सीजीएल का चैनल है और ये फ्री चैनल नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये फ्री वीडियो डाल, ऐसा नहीं है, सिर्फ सैंपल वीडियो है। अगर आपको कोचिंग करनी है और सारे वीडियो को एक्सेस चाहिए तो आपको कोचिंग को ज्वाइन करना है, ऑनलाइन कोचिंग बेस है, उसमें हम बहुत सारी फैसिलिटीज देते हैं, 80 प्रोडक्ट है हमारे एसएससी सीजीएल के, उसका आप एक्सेस मिलेगा। तो आप ज्वाइन कीजिए, सिर्फ एक कुछ एक वीडियो जो सिंपल वीडियो है उसके दम पर कभी तैयारी नहीं हो सकती। तो चलते हैं इस एक गाइडेंस और ये बोल सकता हूं मैं कि आपको आईना दिखाने की मेरी कोशिश थी, आपको अच्छी लगी है तो ठीक है, नहीं लगी है तो माफी चाहूंगा, लेकिन हकीकत को थोड़ा सामना कीजिए। एग्जाम का लेवल काफी टफ है, स्पेशली वो लोग जो ऑलरेडी पीओ लगे हुए हैं या जो ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे है वो कृपया न भटके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दैट यील्ड्स ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 420 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर एट 5% पर एनम। प्रिंसिपल मींस वो सम क्या होगा, मतलब वो राशि क्या होगी जो आपको 420 रुपीज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देगी सेकेंड ईयर में 5% पर एनम का, अगर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितना होगा। दो तरीके यूज किया जा सकते हैं, दो अप्रोच हो सकती है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। पहली अप्रोच है आप ऑप्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं जो इस तरह क्वेश्चन के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकती है। तो देखिए कि 420 रुपये किसमें बनेगा, अब इसमें तो बन नहीं सकता क्योंकि 5000 का 5% है, तो पहले तो 250 बना, इसका मतलब 525 में भी अगर 5% के अनुसार होगा तो ये तो बिल्कुल आउट हो गया, ये भी आउट हो जाएगा क्योंकि इसमें 300 के आसपास बना, इसमें 350 के आसपास बना फर्स्ट ईयर। इसमें देखिए आप 8000 का 5% कितना हुआ, 8000 का 5% हुआ 400 रुपीज, तो 400 जब इसमें जोड़ दिया जाएगा तो अगले साल कितना होगा, अगले साल देखिए 5% के हिसाब से 420 रुपीज हुआ, तो इसका मतलब आंसर ऑलरेडी डी।
मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चे एसएससी सीजीएल के उस लेवल पे पहुँच चुके हैं जिस पे कि सिलेक्शन की संभावना है, उस क्वेश्चन को करने में 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो कोई फॉर्मूला वगैरह वगैरह आलतू फालतू के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो पहली बात कि आप PRTXYZ लिखना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम से पहले आप आउट है, सिलेक्शन से पहले ही आउट हो चुके हैं उस पैटर्न पे। आप सीखने के लिए एक लेवल होता है, उसके बाद आपको उस लेवल से हटना पड़ेगा और आपको फास्ट कैसे निकाल सकते हैं आंसर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कि अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी का ये हिस्सा बना सकते हैं आप कि कम टाइम में क्वेश्चन को करने की आर्ट डेवलप कैसे करें, न कि आप उसी लेवल पर बैठे रहें कि हमने मैथ सीख लिया है। ये मैथ सीख लिया वाली अप्रोच है वो बहुत बेसिक अप्रोच है। तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी इसमें, एक तो हमने देखा कि ऑप्शन से आप देख सकते हैं इमीडिएटली आपको पता चल रहा है साहब कि 420 सिर्फ इसी में पॉसिबल और किसी में नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्लासेस है उसमें बताया कि आप सक्सेसिव टेक्निक परसेंटेज टेक्निक उसका इस्तेमाल कीजिए। तो अगर 5% फर्स्ट ईयर है तो सेकेंड ईयर कितना होगा, 5.25। कहाँ से आया 5.25, एक्स प्लस वाई, या इसमें आप ऐसे लग सकते हैं अप्रोक्सीमेशन टेक्निक को बोलते हैं, 100 का 5% कितना हुआ 105, फिर उस पर 5% कितना हुआ 5.25। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में 5.25 हो रहा है। तो ये आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए। इसका मतलब 5.25 रुपीज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हमने जो सम माना वो कितना 100, एक है तो कितना, और 420 है तो कितना, तो 420 है तो कितना हुआ, देखो इसको मैं 100 यहाँ पे ले जाता हूँ, एट थाउजेंड रुपीज। तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का सहारा लिया। यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में आप कम फॉर्मूला के इस्तेमाल करके करेंगे या बिना फॉर्मूला करेंगे तो आपको क्वेश्चन है बिना देखे या बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते हैं। हमने इसमें सक्सेसिव परसेंटेज का इस्तेमाल किया, और सक्सेसिव परसेंटेज क्या है वो आप कॉन्सेप्ट क्लासेस में वहाँ पे एक अप्रोच दी हुई है वो जानकारी लीजिए उसकी, तो और ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स, इट विल बिकम 8 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वाली वैरायटी आती है तो आप कैसे करेंगे, और ये काफ़ी बार वैरायटी आती है एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, इसी पैटर्न पे आती है कि डबल हो जाता है ट्रिपल हो जाता है जो भी है वो। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप देखिए, 1 लाख रुपये मान लो है तो डबल कितने साल में हो जाता है, 5 साल में। इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिए, डबल हो जाता है 1 लाख का 2 लाख रुपये 5 साल में, और 2 का कितना होगा 4 हो जाएगा, कब, अगले 5 साल में, मतलब 10 साल में, और 4 का 8 कितना कब हो जाएगा, डबल हो रहा है 4 लाख का 8 लाख अगले 5 साल में, मतलब 15 ईयर्स में। हमें कितना बताना है कि कब हो जाएगा, 8 टाइम्स, तो 1 लाख रुपये था 8 टाइम्स हुआ कितने साल में, 15 ईयर्स में, 15 आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है आप ऐसे कीजिए, इससे एक आपकी गलती नहीं होगी कभी भी, आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सी आप बहुत जो देसी सिस्टम है, देसी हिसाब किताब जैसे करते हैं वैसे करेंगे तो जो टिपिकल मैथ की कमांड है वो आने में आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर एज ए होल। अब ये क्वेश्चन आए तो कैसे करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सक्सेसिव टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में या मैथ में एलसीएम, सक्सेसिव परसेंटेज, अप्रोक्सीमेशन मेथड, एलिगेशन, ये 4-5 चीज़ें हैं आपके पास, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। ए उससे एडवांटेज क्या क्या होगा, ए आप कम फॉर्मूलों से या बिना फॉर्मूलों के मैथ करने में सक्षम होंगे, बी आप अपने आप ही ट्रिक डेवलप कर दो कि किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने बेसिक ट्रिक डेवलप कैसे की जाती है वो आप नहीं समझ रही है। तो 20% डिक्रीज और फिर 20% इंक्रीज, मतलब 20% डिक्रीज फिर 20% इंक्रीज, माइनस प्लस माइनस, तो कितना हुआ 4, आंसर क्या हुआ 4% डिक्रीज।
4% डिक्रीज हुआ। और ये मैंने कैसे किया, सक्सेसिव परसेंटेज किसको बोलते हैं, अगर आपकी डिक्रीज है पहले तो आप, या इसको ऐसे रखिए आप, अगर आपको ये सीखना है तो जो लगातार दो बार परसेंटेज आए तो वो इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। जब अगर कोई डिक्रीज या नेगेटिव में चीज है तो माइनस रखिए, पॉजिटिव है तो प्लस रखिए। ये आपकी टेक्निक है, ये आपको मेंसुरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जब ये इंक्रीज इन लेंथ डिक्रीज इन लेंथ वाले जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। आप बोल सकते हैं कि सिर्फ आप देख कर ही क्वेश्चन को टिक मार सकते हैं ये आंसर। तो इसमें क्या हुआ, माइनस डिक्रीज प्लस इंक्रीज और फिर एक्स, इसकी एक्स और वाई की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई 100। तो 20 × 24 / 100 मतलब 4, मैंने सीधा यहाँ पे 4 लिख दिया। माइनस और प्लस, अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लीकेशन माइनस, तो ऑब्वियस है इससे ये कैंसिल, माइनस 4 डिक्रीज, माइनस 4 डिक्रीज डी इसका आंसर होगा। तो ये जो टेक्निक है आपको मेंसुरेशन में हेल्प करेगी, आपको कई और तरह की वैरायटी क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज क्वेश्चन है या प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है, वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी, नंबर सिस्टम में हेल्प करेगी, हर तरह की जगह पे ये काम आएगी। इंपॉर्टेंट है आप इसको लर्न कीजिए, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। बहुत आसान क्वेश्चन, जब भी आपको इंक्रीज मिले वर्ड इंक्रीज बाय 20%, हमेशा 20/120 × 100 कीजिए। और ये डिक्रीज मिले तो क्या करेंगे, 20/80 × 100 डिक्रीज होता तो 20/100, तो कितना हो? ये आंसर है, ये आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा 50/3, ये सी आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन इस तरह से आता है ये कि आप बोल सकते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल, उसकी जगह शुगर आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, कमोडिटी आ सकता है। व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 50%, 30%, 10%, तो फिर ऐसे आएगा बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। या ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ सकता है कि सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 20%, देन हाउ मच सैलरी ऑफ बी इज, सैलरी ऑफ ए इज मोर देन बी बाय 20%, हाउ मच इज द सैलरी ऑफ ए इज या बी इज लेस देन ए, दिस काइंड ऑफ ये क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे इंक्रीज दिया हुआ है या डिक्रीज दिया हुआ है, मतलब इसको अगर इंटरप्रिटेशन देखें इस क्वेश्चन का तो क्या हो कि 100 रुपए है, अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो 120 हुआ, यहां पे 100 रुपए कोई चीज है 20% इंक्रीज हुआ तो 120 हुआ, डिक्रीज कितना हुआ, अब डिक्रीज कितना हुआ 20 रुपए हुआ, किस पे हुआ 120 रुपए पे हुआ, 100 रुपए कितना होगा। तो इस अप्रोच को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 20 रुपए डिक्रीज होगा तो 100 होगा, किस पे हो रहा है वो डिक्रीज, 120 पे हो रहा है, 100 पे कितना होगा। ये जो अप्रोच है आप इसको इस ढंग से याद रखिए, इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज नेगेटिव चीज, इंक्रीज पॉजिटिव चीज। तो ये इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट भी, या पॉजिटिव माइनस का कॉन्सेप्ट है, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा कई टाइप के क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, 42% इन इंग्लिश, इफ 17% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, कितने परसेंट स्टूडेंट है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब देखिए 50%, ये वाले क्वेश्चन वेन डायग्राम से करें तो ज्यादा आपको फायदा, बहुत आसान रहेगा। 52% फेल, 42% फेल इंग्लिश में, दोनों में फेल 17%। यहाँ पे वही लिखिए जो, अगर दो यहाँ पे फेल है तो यहाँ पे फेल है, यहाँ पे फेल रखिए, यहाँ पास है यहाँ पास, यहाँ पास रखिए, ये इसकी बात खास होगी इस क्वेश्चन की, इस तरह के क्वेश्चन की। तो इसमें से अगर दोनों को जोड़कर ये माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट पैटर्न आ जाएगा कि कितने फेल हुए, 52 और 42, और माइनस आपको 17, ये वाला करना है। तो कितना 94 में से 17, तो ये हो गया 77% फेल है, क्योंकि फेल का दिया हुआ है सब कुछ, तो इतना इसका मतलब 100 में से अगर 77 फेल है, पास कितने हुए 23, पास कितने हुए 100 में से अगर 77 फेल है तो बाकी पास है फिर, और बाकी कितने हैं, 100 में से 77 माइनस करेंगे तो 23% पास होंगे, 23% पास। तो ये जो वाली वैरायटी होती है आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या ए प्लस बी माइनस सी, मतलब
इस रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। तो ये था पार्ट नंबर 16। हम ऑलरेडी कई पार्ट कर चुके हैं और ये सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।